Good morning, students. I am going to discuss about the chapter sentence. Sentence is very important for all of you. I think if you have capacity and if you understand sentence clearly, then it will help you to change direct into indirect speech. So first of all, I am focusing on the chapter sentence. The question is, what is sentence? Where there is sense and tense is called sentence. Without sense, there is no tense. Without sentence, writing is not possible. So our question is, what is sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. Sentence is a group of words. It is a set of words which completes meaning, and it has complete meaning. Without complete meaning, there is no sentence. If it has no complete sense, then it can be clause, or if it has set of words without complete meaning, it is phrase. तो भैया बहन, यदि शब्दों का समूह, शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक अर्थ लेता है, complete अर्थ लेता है, पूर्ण अर्थ लेता है, तो उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। यदि पूरा अर्थ नहीं लेगा, क्लियर अर्थ नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, तो वह सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो मैंने पहले कहा है कि जहां सेंस है और टेंस है, वह सेंटेंस है। सेंटेंस के दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो सेंस के अनुसार, सेंस मीन्स अर्थ के अनुसार, दूसरा फॉर्म या स्ट्रक्चर, उसके आधार पर सेंटेंस के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत आवश्यक है कि सेंटेंस को समझेंगे, उस सेंटेंस के अनुसार हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ताकि समय बचेगा। इसके पहले आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। एनी सेंटेंस एंड्स आइदर इन फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। The first kind of sentence is assertive sentence, which is also called statement. It is also called declarative. And assertive sentence is very simple sentence which has simple meaning. It is also called statement. Ram goes to school every day. This is the example of assertive sentence. It is also a statement. And there are two kinds of assertive sentence. First is positive, that is also known as affirmative. And second is negative sentence. If there is no any negative word in the sentence, then it is positive sentence. And if it has not or no in the sentence, then it is called negative sentence. And simple sentence or assertive sentence or a statement is very simple, and it is the statement of any person. It ends with full stop. Assertive sentence always ends with full stop. And example of positive sentence, Ram goes to school.
एंड द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस इज राम डजंट गो टू स्कूल. एंड द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन. इन दिस सेंटेंस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड. दिस सेंटेंस स्टेट्स अबाउट एनी क्वेश्चन एंड इट इंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड देयर आर थ्री काइंड, तीन प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. पहला है यस और नो क्वेश्चन. सपोज दैट समवन आस्क्स यू आर यू रेडी. अगर कोई आपसे पूछता है क्या आप तैयार हैं, तो उसका आंसर यस या नो में होगा. इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन यू कैन से यस, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन यू कैन से नो. सो दिस इज कॉल्ड यस और नो क्वेश्चन. एंड द सेकेंड इज, दो दूसरा है जिसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स. व्हाट आर यू डूइंग. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड. एंड द आंसर इज यू हैव टू यूज फुल सेंटेंस. आई एम टीचिंग यू. व्हाट आर यू टीचिंग. आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर. And the third is question tags. Mohan is busy. If we make question tag, isn't he? And this is the three types of questions we make. तीन प्रकार से हम क्वेश्चन बनाते हैं जिसका मैंने जिक्र किया. फिर एक बार सुनिए, यस और नो क्वेश्चन पहला. दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे हु आर यू, what are you doing, and the third is question tags. Question tags से भी question बनाते हैं. Third kind of sentence is imperative sentence, which is also called command. जिस sentence से आदेश, प्रार्थना, सुझाव, मनाही का भाव प्रकट हो, उसको हम लोग कहते हैं imperative sentence. Imperative sentence सोच, order, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रोविजन. दिस सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप. इट स्टार्ट्स विथ वर्ब प्लीज, डोंट एंड सो ऑन. सो इफ समवन सेज स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड इट स्टार्ट्स विथ स्टैंड अप and the subject you is hidden in imperative sentence. Please give me your pen. I request you to give me your pen. So you subject is hidden here. Isme please, don't or verb se yah vakya shuru hota hai, isse hum pehchan sakte hain, aur yah bhi full stop se samapt hota hai. तो एक प्रश्न यह उठ सकता है कि assertive sentence और imperative sentence दोनों full stop से समाप्त होता है, कैसे पहचानेंगे? तो assertive sentence subject से शुरू होता है, तो subject noun होगा या pronoun होगा. जबकि imperative sentence subject you छिपा रहता है, वह verb से शुरू होगा, please से, kindly से, don't से, इत्यादि से शुरू होगा. कितना ध्यान में रखना पड़ेगा. And the fourth kind of sentence is optative sentence, which is also called wishes. जिस वाक्य से इच्छा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यह हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो. यहां मे से शुरू हुआ. दिस सेंटेंस एंड्स विथ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन. इसमें विश है, कर्स भी होता है. सपोज देयर इज अ विच एंड सी कर्सेस एनीवन, देन सी कैन यूज मे यू डाई. अगर कोई श्रापित करता है तो मे यू डाई करेगा, तो वहां भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होगा.
उसको हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। एंड द फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच इज नोन एज एक्सक्लामेशन। एज द नेम शो एक्सक्लामेशन इट शोज फीलिंग पेन हैप्पीनेस ऑफ आवर हार्ट आवर माइंड एंड दिस सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप neither full stop nor question mark, it ends with note of exclamation. And example is what a fine pain it is. This is the example of exclamatory sentence. And this sentence ends with note of exclamation and it starts with what, how, and the word which comes under interjection, bravo, hurrah, oh, these are the words. Suppose that this is the example I would also like to maintain here. Hurrah, I have won the match. 5-5. It is a very dirty room. You can mention it. So these are the examples of sentences. ये जो पांच प्रकार आपको बताए, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पांचों को ध्यान में रखेंगे, उसके अनुसार हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, व्हाट इज सेंटेंस? द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। विदाउट कंप्लीट सेंस देयर इज नो सेंटेंस। एंड ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड हियर the sentence Ram is a good boy, here Ram is subject and is a good boy is predicate, and subject is the doer which performs the action, and the predicate which is done by the subject is known as predicate. And according to sense there are five kinds of sentences: assertive sentence which is known as statement or declarative. Second is interrogative sentence which is known as questions. And the third is imperative sentence which is known as command. And fourth is optative sentence which is known as wishes. And the fifth is exclamatory sentence which is known as exclamation. And according to form or structure, there are three kinds of sentences. First is simple sentence. Second is compound sentence. And third is complex sentence. We will study in another lesson, in another video. So be focused on your study, do your work regularly, stay home and maintain social distancing. Thank you. Bye.